समदड़ी थाना क्षेत्र के कर्मावास इलाके से करीब 15 वर्ष पूर्व लापता हुए युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता युवक के छोटे भाई भीमाराम ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से लगाकर राज्य मानव अधिकार आयोग और स्थानीय पुलिस एवं आईजी को भी इस मामले से परिवाद के माध्यम से अवगत करवाया है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक ने मुलाकात कर संदेहास्पद लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने और लापता भाई को ढूंढकर दस्तियाब करने की गुहार लगाई है। समदड़ी थाना क्षेत्र के कर्मावास इलाके से करीब 15 वर्ष पूर्व लापता हुए युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता युवक के छोटे भाई भीमाराम ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से लगाकर राज्य मानव अधिकार आयोग और स्थानीय पुलिस और आईजी को भी इस मामले से परिवाद के माध्यम से अवगत करवाया है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लापता हीराराम सेन के भाई ने शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर संदेहास्पद लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने और लापता भाई को ढूंढकर दस्तियाब करने की गुहार लगाई है। कर्मावास निवासी भीमाराम ने बताया कि वर्ष 2005 में उसका भाई मंदिर जाने का कहकर निकला था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद समदड़ी थाने में उसके भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी सौंपकर संदेह के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का समदड़ी पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ कर मामले को रफा दफा कर दिया और पुलिस उसे ही पागल घोषित करने में लगी हुई है। पहला ने कुछ अभी तो बाल उन्होंने सुन भी हाथ मत पूरी हुई थी बस वो व्यू बन पत्र बस एक अजू सी वो तो थम्ब पूरा जो वो हेमोन ले गया वो ही आज भी पुलिस नहीं गया वो तो पूरी हो गया था तो वो हेमोन को थर थर भई पास आ गए तो हेमोन पास आ गए पूरे बड़ी नीली भगत है आता जो निकल के निकाया हुआ पड़ा था बोलू सौ की ओर पी लीजिए ईटों की लीजिए क्या एक चीज कोई पास ही आई तो बता दू परिवादी का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने के बाद उसने न्यायालय के माध्यम से थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने उसे पागल बताते हुए मामले में एफआईआर लगा दी। परिवादी के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी वो अपने भाई की गुमशुदगी को लेकर कई बार परिवाद दे चुका है, लेकिन कहीं से भी उसे अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में परिवादी भीमाराम नाई ने संदेहास्पद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करवाने और लापता भाई को ढूंढने में मदद करने की गुहार लगाई है।